Friends, my name is Umar and you're watching Wrestling TV. ड्रामा बुल्स द रॉक की वापसी पर आया बड़ा अपडेट। गाइस द रॉक इस बारी के रेसलमेनिया में वापसी कर सकते हैं, फाइट के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट के लिए। बात की जाए द रॉक की तो द रॉक को इससे पहले एलायस सैमसन के साथ बुक किया जा रहा था, फाइट के लिए नहीं, सेगमेंट के लिए, जहां वो एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन का पार्ट होते जिसमें कई और लेजेंड्स भी होते, लेकिन वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया और अब द रॉक को कुछ और रोल मिलेगा और विंस मैकमैन स्किप करेंगे कि उन्हें कौन सा रोल मिले। अब देखने वाली बात ये होती है जो रोल उन्हें मिलेगा उसमें क्या हमें उनके फिनिशर देखने को मिलेंगे कि नहीं। अब हम चलते हैं दिन की लास्ट खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है एक ऐसे रेसलर से जो कि इस बारी की रेसलमेनिया में हमें दिख सकता है। तो दोस्तों ये रेसलर कोई और नहीं, यह द जायंट बिग शो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिग शो कर सकते इस बारी की रेसलमेनिया में अपनी वापसी। बिग शो दोस्तों अपनी वापसी को लेकर काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कल इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी एप्स की भी पेशकश की, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां बात की जाए कि बिग शो को कौन सा रोल मिल सकता है, तो यहां बिग शो को पुट किया जा सकता है आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल में, जहां वो अच्छी फाइट दे सकते हैं। वहीं अगर WWE उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये आज की खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।